राजस्थान के बारहअंता में शाला निदेशक लेखराज गोचर ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कला संकाय में चर्चित तिवारी 89.60, रिमझिम तिवारी 88.60, रूपेश सैनी 86.80, हिमांशी चौधरी 84.80, सानिया मिर्जा 84.20, निकिता गोचर 83.60, सोनम गोचर 82.60, अजय प्रजापति 80.60, आफरीन अंसारी 75.60, रिया चौहान 75.20% अंक प्राप्त किए। गोचर ने बताया कि इस वर्ष 12वीं क्लास में 26 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 21 प्रथम व 5 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सभी छात्र सर्वश्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होने पर शाला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी। ईश्वर से इनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अंक लाने पर सभी छात्रों का शाला परिवार की ओर से माला पहनाकर मीठा मुंह करवाया गया। इस दौरान दुर्गा शंकर शर्मा, हरिओम तिवारी, धनराज रेगर, सत्यनारायण मालव, शाकिर हुसैन, रविकांत गालव, महेंद्र बैरवा, देवेंद्र सिंह, शबनम बानो, श्रद्धा पटेल सहित अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद रहे। और हम ये चाहते हैं, देखो सोच अगर आप बड़ी रखोगे तो बड़ा परिणाम मिलेगा, है ना। मैंने सोच लिया भी मैं तो क्यों, मुझे तो टीचर ही बनना है या मुझे तो ये बनना है। नहीं, अपनी सोच बड़ी हो सकती है। कल मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। यूपीएससी में 9 घंटे उसने नौकरी की, 9 घंटे में पढ़ाई करते और उसने IAS का जो कॉम्पिटिशन फाइट किया, मतलब मेहनत के साथ साथ, मतलब मैं मेरी रोजी भी कर रही हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ और मैंने यूपीएससी को पास किया है। तो उस मुकाम पे आप ये मत सोचो कि हम यूपीएससी तक हम नहीं पहुंच सकते। आप में से ही होते हैं स्टूडेंट जो RAS, IPS, IAS ये सारी चीजें इसी से बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस कदर तैयारी करनी है कि आपको कुछ हासिल करना है, क्योंकि युग क्या है, आर्थिक युग है। कौन सा युग है? आर्थिक। आर्थिक का मतलब समझते हो ना, हर चीज पे पैसे चाहिए। और पैसे, गर्ल्स का मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों में क्यों कमाऊं, ऐसा नहीं है। आपको कमाना ही पड़ेगा, अगर अच्छा जीवन आपको जीना है तो कमाना पड़ेगा, लेकिन उसका नैतिक तरीका होना चाहिए। अदरगल तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, सिस्टमेटिक। हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे तरीके से अच्छी जॉब करके अच्छी नौकरी करके हम, और उससे क्या होता है हमारा भी और आपके घर का, समाज का, अपने प्रदेश का, राष्ट्र का, सबका नाम रोशन होता है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।